हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। और आज के इस वीडियो में हम मोशन पाथ को सीखने वाले हैं। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आते रहे। और सॉरी गाइज, ये लेसन आने में थोड़ा सा लेट हो गए हम। लास्ट वीक में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए अगेन सॉरी। सो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन बना ली है और आज हम बात करने वाले हैं मोशन पाथ की। तो मोशन पाथ होता क्या है? सबसे पहले सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, ओके। अब मैं इसको इसकी पोजीशन पे एनिमेट करता हूं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसकी पोजीशन वैल्यू को यहाँ पर ओपन करते हैं, एक की फ्रेम लगाते हैं, देन हमको जितनी भी ड्यूरेशन में एनिमेशन चाहिए हम वहां पे जाके इसको सेट कर देते हैं। सपोज मुझे ये यहाँ पे चाहिए, है ना, 5 सेकंड के बाद ये मुझे यहाँ पे चाहिए। तो हम इस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करते हैं, लाइक ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरीका। तो मोशन पाथ का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और आप उसे किसी एक स्पेसिफिक पाथ पे एनिमेट कराना चाहते हैं। सपोज आपने कोई यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ किया हुआ है, सपोज आपने ये पाथ ड्रॉ किया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने पोजिशन पे एनिमेट किया है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसको पोजिशन पे एनिमेट ना करें, ये अपनी पोजीशन पर एनिमेट हो लेकिन ये इस वाले पाथ को फॉलो करे। तो इस टेक्निक को बोलते हैं मोशन पाथ। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं ताकि आपको डीपली समझ आ जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक पीएनजी इंपोर्ट करता हूं। मैंने यहां पे ये एक कार इंपोर्ट की है और इसको आप यहां पे इस स्टार को ऑन करना मत भूलना, ठीक है। तो मुझे इस कार को एनिमेट करना है और उसके लिए मुझे यहां पे एक सड़क बनानी पड़ेगी, है ना। अब ये हो सकता है इस केस में तो हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद ही यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे कोई इमेज हो। उदाहरण के लिए आपके पास अगर ये एक इमेज होती और सपोज अभी तो इसमें यहाँ पे जस्ट इतना ही रोड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से और यहाँ तक, है ना। हो सकता है कि ये कोई एक सिटी का इमेज होता जिसमें कि काफी रूट्स होते और आपको उन रूट्स को फॉलो करते हुए इस कार को एनिमेट करना होता। तो आपको वहां पे सपोज अगर इस इमेज की बात करूं तो यहाँ पे मुझे यहाँ तक रोड दिखाई दे रही है ना। तो इस रोड के अकॉर्डिंग हमको अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे एनिमेट करना है तो पहले हमको उस रोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस केस में क्या है कि हम अभी यहाँ पर खुद ही पाथ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज नहीं है, है ना। हमारे पास जस्ट एक कार है और हम यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ करने वाले हैं। पाथ जब भी आप ड्रॉ करें तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिधर से आप पाथ ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि जहां से आप पाथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी एनिमेशन स्टार्ट भी वहीं से होगी, है ना। मतलब आपको जिधर से एनिमेट करना स्टार्ट करना है तो ध्यान रहे कि आप पाथ ड्रॉ करना भी उधर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। अभी के लिए मैं इस लेयर को करता हूँ हाइट। पहले मैं एक पाथ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उसके लिए कॉम्पिटिशन के थोड़े बाहर आप यहाँ पे एक नोट रखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, मीन्स के हमारे फर्स्ट फ्रेम से ही हमारा ऑब्जेक्ट स्क्रीन के अंदर होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बाहर से एंटर करे और फिर वो लास्ट में भी बाहर निकल जाए, तो उससे क्या होगा कि हम उसको लूप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो इस कॉम्पोजिशन के अंदर ही रुक जा रहा है, तो हम उस कंडीशन में यहाँ पे एक लूप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ पे विजिबल रहेगा, यहाँ पे विजिबल रहेगा, तो जर्क आएगा। तो ध्यान रहे जब भी आप लूप कोई एनिमेट करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी वीडियो का जो फर्स्ट फ्रेम है और जो लास्ट फ्रेम है वो विजुअली सिमिलर होना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहां से इसका कलर, एक रोड वाला हमारा ग्रे कलर होता है, तो मैं यहां से ग्रे कलर सेलेक्ट करूंगा और फिर इसका मैं स्ट्रोक कर दूंगा अराउंड
तो हमने 120 किया, लेकिन ये क्या है कि ओवरलैप कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब सपोज आपने यहाँ पे पाथ ड्रॉ किया, फिर आपने यहाँ से इस लेयर पे सेलेक्ट कर दिया, तो फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे पाथ को सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और कंटेंट में जाके, शेप में जाके जब आप पाथ पे क्लिक करोगे, देन अगेन आप इस पाथ को एडिट कर पाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये पाथ मॉडिफाई कर लिया है, मुझे ये इसी तरीके से चाहिए था। ओके, सो ये हमने एक यहाँ पे रोड क्रिएट कर लिया है। मैं इसका कलर थोड़ा सा और ग्रे कर देता हूँ, लाइट ग्रे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो हमारे रोड के बीच में कुछ एक स्ट्रिप होती है वो हमको क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और यहाँ पे हम इसका कलर करेंगे वाइट और इसका स्ट्रोक रखेंगे हम अराउंड 20 ही कर लेते हैं यार। और फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसमें हम स्ट्रोक ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रोक में आएंगे और यहाँ पे आपको डैशेज ऐड करने हैं। इस प्लस आइकन पे आप अगेन क्लिक करेंगे तो और प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड होती चली जाएंगी, है ना। तो हमको जस्ट एक डैश चाहिए और एक गैप चाहिए, तो हम इस डैश 2 को कर देते हैं डिलीट। और हम डैश की पहले तो लेंथ अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, फिर यहाँ पे गैप को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी जो विड्थ है इस डैश की वो थोड़ा ज्यादा है, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 15 और इसके बीच का जो गैप है उसको भी थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे हम। ठीक है, तो अभी ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। ठीक है, ये हमने एक यहाँ पे पाथ क्रिएट कर लिया है। अब ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे आपके पास एक टॉप व्यू से कोई एक इमेज होती और उस इमेज में जहाँ पे अभी हमारे पास ये रोड है वहां पे रोड होता, तो उस केस में आपको यहाँ पे एक पाथ इसी तरीके से ड्रॉ करना पड़ता। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इस कार वाली लेयर को करता हूँ इनेबल, इसको रखता हूँ सबसे टॉप पे और इसका साइज में कर लेता हूँ थोड़ा कम ताकि हमारे रोड पे फिट हो जाए। और मैं इसका रोटेशन थोड़ा सा, अभी मैंने इस कार का जो साइज है वो अपनी रोड के अकॉर्डिंग कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीजें हैं, एक तो यही कि इसका साइज आपके जो रोड है उससे ज्यादा ना हो, है ना, और दूसरा ये कि जब आप इसकी पोजीशन पे यहाँ पे पाथ पेस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको इसकी डायरेक्शन मेंटेन करनी है फर्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने इस रोड वाली लेयर पे किया क्लिक और यहाँ पे मैं इसके पाथ में गया और पाथ में जाके मैंने इस पाथ को किया सेलेक्ट और कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब मैं इस कार वाली लेयर पे गया और इस कार वाली लेयर पे के फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इस कार वाली लेयर की पोजिशन को मैंने ओपन किया, सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी प्रेस किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं जो कि आपने यहाँ पे पेस्ट की हैं। ठीक है, अब आपको अपनी एनिमेशन की जितनी भी ड्यूरेशन रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इन की फ्रेम्स को मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद ओल्ट को होल्ड करके रखेंगे, फिर लास्ट वाले की फ्रेम को पकड़ के हम स्ट्रेच करेंगे। सपोज मुझे इस एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो रखनी है 15 सेकेंड, तो मैंने इसको 15 पे जाके यहाँ पे छोड़ दिया। ओके, और अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी प्ले तो हो रहा है लेकिन क्या है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू रोड नहीं है, है ना, तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। हमको जस्ट क्या करना है, अपने इस कार वाली लेयर को करना है सेलेक्ट, राइट क्लिक और यहाँ पे जाना है हमको ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ऑटो ओरिएंट करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिएंट अलोंग पाथ, देन ओके। ठीक है, जैसे ही आपने ये स्टेप फॉलो किया तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट था उसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि कार वाली लेयर की रोटेशन को ऑन करना है और अपने रोड के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लेना है। मैं जाता हूँ थोड़ा सा पीछे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि फर्स्ट फ्रेम पर जाकर ही आप अपने इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन को मैनेज करें। ओके, सो अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ।
मुझे इस एनिमेशन की स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी प्रेस करूँगा और इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके फिर ओल्ट होल्ड करके इस लास्ट वाले की फ्रेम को पकड़ूंगा और इसको मैं 20 तक ले जाऊँगा। और ध्यान रहे, जब भी आप अपनी कॉम्पोजिशन में किसी ऑब्जेक्ट को मोशन दे रहे हैं तो यहाँ पे आपका मोशन ब्लर जरूर ऑन रहना चाहिए, उससे आपको एक नेचुरल फील आता है। ओके, आई होप आपको ये मोशन पाथ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।